नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों ने ईपीएफओ के अंतर्गत वर्ष के पेंशन के मामले को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय पर धरना और प्रदर्शन किया। हालांकि यह प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है। आगे जाके इसका ये नियम को सुधार के नया नियम लागू के सबको मिलना चाहिए, किसी को वंचित नहीं होना चाहिए, सबको ये पेंशन मिलना चाहिए। आज हम लोगों ने ईपीएफ पेंशनर जो है हम लोग का रीजनल यहाँ पर जमशेदपुर का, उनसे हम लोग मिले हैं और हम लोग का मांग है कि जितना भी हम लोग ईपीएफ पेंशनर्स 95 का है सभी को हम लोग को पेंशन का भाग मिले और जो फायदा है उस पर मिलना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि सभी को इसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन ईपीएफओ ने उसका जो प्रतिलिपि सर्कुलर जो जारी किया है ये हम लोग को वंचित किया गया है मैक्सिमम पेंशनर को, जिसका चलते हम लोग न्यूनतम पेंशन जो है जो मांग उठाया है हम लोग का कॉमरेड अशोक राउत द्वारा ऑल ओवर इंडिया में, हम लोग करीब करीब 67 लाख से भी ऊपर पेंशनर है। आज बहुत सारे आदमी को यहाँ वंचित किया गया, इसी मांग को लेके आज उनका जो ईपीएफओ को कॉपी है उसको हम लोग जलाया, होलिका दहन किया और फिर से हम लोग सरकार का पास निवेदन किए हैं उनका माध्यम से कि हम सबों को इसका फायदा मिले और सभी को पेंशन का बढ़ोतरी हो जो कि सब आदमी आराम से ज़िंदगी गुजार सके। कितने पेंशनधारी हैं आप? करीब 67 लाख का ऊपर है ऑल ओवर इंडिया में। आज कहाँ कहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है? आज हम लोग का कार्यक्रम पूरा सारा देश में चल रहा है, हर एक स्टेट में चल रहा है। और हम लोग अपना, हमारा नाम कालीपद सोई, हम टाटा वर्कर्स रह चुके हैं और वहाँ से रिटायर करके अभी हम लोग पेंशन का कुछ मिल रहा है, लेकिन जो मिल रहा है वो इनसफिशिएंट है। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।